हाँ जी तो यहाँ से बात समझ आई एक तरफ हम कह रहे हैं अच्छा एक मजेदार बात थोड़ा नोट करते जाना कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि 60 का करंट जो है वो हमें हमें की तरफ लेके जा रहा है तो दूसरी तरफ अब हम क्या कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं कि आप थाउजेंड वोल्ट का जो है ना नी के थाउजेंड वोल्ट है हाँ थाउजेंड वोल्ट है ठीक है ना कि आपने थाउजेंड वोल्ट का करंट देना है ठीक है ना फ्यू थाउजेंड ऑफेंड मतलब बिल्कुल ऐसे ठीक है ना

और उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है ना साइनस नोड ठीक है ना वो आपका पेस मेकर होगा यानी कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटी के वापस आने के चांस हैं लेकिन ये है कि बाद बाज ये होता है कि अगेन वो री फोकस अगेन से करा देता है मतलब एक दफा तो वापस आ जाता है लेकिन आपका री एंट्रट फोकस उसमें यह भी हो सके मतलब लेकिन बार नॉर्मल केस तो आपको पता चल गया ना कि नॉर्मली क्या होगा वो अगेन कराता है नहीं कराता वो बात की बात नॉर्मल आपको समझ लग गया कि उसके बाद वापस आता है तो आपका क्योंकि एक दफा तो सारी सफाई हो गई ना तो सब कुछ खत्म हो गया तो वो अगेन भी करा सकता है बात इतनी है ठीक है और फिर ये है कि आप पेशेंट को क्या करते हो ठीक है ना अच्छा चलो इसमें दो बातें इसने और भी की मैं आप लोगों को बताता हूँ फिलहाल एक दफा यहाँ पे आ जाओ इसमें आप क्या कहते हो जिस जिस बंदे को का बहुत ज्यादा रिस्क होना आप उसको क्या कहते हो आई सी डी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर ये अब आप आगे जितनी भी बातें वो सीधी सीधी हैं मतलब आप जो समझ वाली सारी बातें वो खत्म हो गई ठीक है अब आगे सारी बातें सीधी सीधी है उसमें ये है कि आप आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डीफेब्रिलेटर जो है ना आप उसको राइट right वेंट्रिकल में लगा दो ठीक है मतलब ठीक है उस इस डिवाइस से ये होता है कि ये ऑलरेडी प्रोग्रामड होती है कि जैसे ही आपकी फिब्रिलेशन होगी ना ये करंट दे देती है मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि इतने सेकंड के लिए करंट दे दो तो ये 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 जनाबे वाला करंट दे देती है ठीक है तो अब तो वो कहता हैं इतने इतने एडवांस चीजें आ गई हैं कि इतनी इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतनी एडवांसेस आ गई हैं कि आपको ना जरूरी नहीं है कि आप उसको वेंट्रिकल के 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 ऊपर 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 लगाओ अब तो आप रिब रिब केज केज से के से यानी कि देखो ना दिल रिब केज के अंदर है अब वो कहते हैं इतनी एडवांसेस हो गई हैं कि अब आप रिब केज के ऊपर ही सबक्यूटेनियसली आपको मतलब आपको इतना ज्यादा माइनर से सर्जिकल प्रोसीजर होता है मतलब ये रिब केज नहीं ना खोलनी पड़ रही समझो ना बात को के रिब केज के ऊपर से ही आप जनाब कोई जरूरत नहीं दिल तक जाने की रिब, रिब माइनस से सर्जिकल प्रोसीजर से या रिब केज के ऊपर ही आप इस आईसीडी को लगा सकते हो उससे ये है कि इनफ करंट मिल जाता है इनफ करंट डिलीवर हो जाता है वजह ये है कि आप मतलब बात समझ आ गई चलो जी ये बात भी क्लियर हो गई अच्छा अब एक और चीज है वो क्या है ये बात भी आप लोग चलो पहले वो क्लियर करता जाऊं आप लोगों को यहां से ये बात इसमें यह करता है कि जो आप थाउजेंड वोल्ट का जो आप करंट दे रहे हो ना सारे को डीप वाला इकट्ठा करने के लिए उसमें ये है कि आप जो है ना यूजुअल प्रोसीजर वो कहता है ये होता है कि एक कैपेसिटर जो होता है ना ठीक है कैपेसिटर को आप आ, सेवरल थाउजेंड वोल्ट के लिए पहले चार्ज करते हो सेवरल थाउजेंड वोल्ट के लिए पहले उसको किया आपने चार्ज ठीक है और फिर आप जनाबे वाला उसको सेवरल थाउजेंड

उतने वोल्टेज तक चार्ज करते हो और फिर आप उसको कैपेसिटर के जरिए डिस्चार्ज करके तो आप हार्ट को उतना करंट देते हो ठीक है फिर ये है कि आप जो करंट देते हो ये बाई, बाई फेजिक वेव फॉर्म में देते हो बाई फेजिक ठीक है यानी के अल्टरनेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट पल्स ट्रू द हार्ट बाइफेजिक है ना तो मतलब ये उसकी अः उसकी जनाबे वाला आपकी आल्टरनेट, डायरेक्शन होती है मतलब इसका फायदा ये होता है कि वो आपका आ, आ, हार्ट बर्न और हार्ट डैमेज भी तो हो सकता है आप करंट जो मार रहे हो ठीक है तो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं ठीक है और चांसेसली इसके अंदर बायोफिजिक के अंदर थोड़ी एनर्जी भी कम लगती है ठीक है ना आपकी मतलब इस बायोफिजिक वाले की एनर्जी जो है ना वो आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है तो उससे फायदा बस ये होता है कि आपके जो रिस्क है ना बर्न का क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी करंट वाली एनर्जी मिल रही है तो उससे बर्न ज्यादा होने का चांस है तो इस बाईस वाली से क्या फायदा होता है ठीक है ना कि वो आपके बर्न का चांस कम होता है ठीक है चलो जी अब सारी आसान बातें हैं ना ये भी आसान सी बात है इसको भी सुन लो कि हैंड पंपिंग से फायदा होता है किशन को ये जो अभी हमने बात की डिफेब्रिलेटर वाली ठीक है क्या हमने नाम रखा था इसका इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डीफेब्रेटर आईसीडी ठीक है ये जो आप आईसीडी वो कहता है कि जब आप मतलब सपोज डिफेब्रिलेशन हुई ठीक है वो कहता है अगर अगर अन अन अनलेस डीफेब्रिलेटेड विद इन 1 मिनट आफ्टर आफ्टर फिब्रिलेशन बिगिंस फिब्रिलेशन हो गई है ना फिब्रिलेशन हो गई है वो कहता है अगर आपने 1 मिनट के अंदर अंदर उसको डीफेब्रिलेट नहीं ना किया तो आपका हार्ट इतना वीक हो जाता है कि अब आप डीफिब्रिलेट रीफिब्रिलेशन करोगे भी सही ना ठीक है तो मुश्किल हो जाता है उसके लिए दोबारा से वापस आना उसकी क्या वजह है कोई बच्चा बता दे मेरे भाई डी फेवरिस्टें फिवरेल, हुआ क्या है बॉडी को ब्लड ही नहीं जा रहा हमने कहा नहीं था कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है अभी मैंने आपको इस टॉपिक की थोड़ी बातें और बहुत बताना चाहता हूँ कि ये देखो ना कि जब हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा पैचेस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अब आपको वो बात समझ आई अब यहाँ से आपको ये पैराग्राफ आप सही समझ आएगा कि पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है पंपिंग ही सही नहीं हो रही बंदे ही अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है ब्रेन को ब्लड ही नहीं मिलता ठीक है तो अब आपको सही बात समझ आ गई कि बार बार वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है ठीक है बार बार सर्कस मूवमेंट चलती जा रही है ठीक है और जनाबे वाला हार्ट जो है वो एक कोई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट नहीं है हार्ट के अंदर ठीक है और हार्ट एक पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर है ठीक है हार्ट के चेंबर्स बन गए हुए हैं हार्ट एक फिब्रिलर स्टेट में चला गया हुआ है ठीक है अच्छा जी अब आप बात को कि अब क्या है कि जब न्यूट्रिशन मिलती है ठीक है ना फ्रॉम क्रोनरी ब्लड फ्लो जब बॉडी जब को ब्लड नहीं जा रहा आर्टरी भी तो वहीं से आनी है ना वहीं से ब्लड मिलना है तो हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिलता तो हार्ट बिल्कुल वीक हो गया होता है तो वो कहता है कि इसलिए ना होता ये है कि जब आप डायरेक्ट्रेशन करो ना तो उससे चांसेस कम होते हैं कि, क्योंकि हार्ट इतना वीक हो गया होता है कि अब आप डी दे भी रहे हो ठीक है देखो मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो बंदे को ये बातें इतनी आसानी से नहीं समझ आती ठीक है बंदे को बहुत वो दो तीन रीड करने के बाद बंदे को लगता है हाँ ये हुआ है ठीक है इसलिए ना आप इन बात इस बात देखो हार्ट आपका वीक हो गया हुआ है आप उसके बाद उसको डिफेब्रिलेटर देते हो भाई आप डीफेब्रेटर क्यों दे रहे हो डि दे रहे हो कि ये लो यार हार्ट खुद काम करो यार खुद सही से काम करो तो अब हार्ट से तो वीक हो गए हुए हैं ब्लड फ्लो जो नहीं मिला इसका मतलब है कि पहले उसको कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही सही क्या फिर उसको देना। उसका तरीका है कि आप हैंड पंपिंग करो। हैंड पंपिंग पंपिंग करो, करो, मतलब हाथ से चेस्ट चेस्ट के के ऊपर ऊपर प्रेशर लगाओ, प्री का मतलब यह है ठीक है तो उसके बाद उसको डिफेब्रिलेटर लगाओ मतलब डायरेक्ट डिफेब्रिलेटर से इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ

जो है ना वो अब साइनस नोट को को अब सही से करें बात समझ आई आपको ठीक है ना कि हैंड पंपिंग एज एन एड टू द डीफिब्रिलेशन एज एन एड टू द डीफिब्रिलेशन ठीक है ना समझ आई बात की ठीक है तो ये ये बात है वो ठीक है ना चलो खैर अब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मैं एक दो बातें करने लगा था कि कुछ ठीक है ना तो अब ये इस बात को जैसे मैंने समझाया इसको ऐसे समझना आपने ठीक है बात समझ आ गई कि वो

जैसा ही मतलब आर्टिफिशियलेशन दो ठीक है एक तरफ से साथ उसको ये जो आप चेस्ट के जरिए प्रेशर लगा के कर रहे हो ठीक है ना वो जो हैंड पंपिंग कर रहे हो वो भी करो ठीक है प्लस आप, आप उसको फिर जो डीफिब्रिलेशन डीफिब्रिलेशन भी कर रहे हो पहले हैंड पंपिंग और उसके बाद इस सारे को हम कहते हैं कार्डियो पलमोनरी रिसर्सिटेशन देखो पल्मोनरी तो रिलेटेड होगा ना आर्टिफिशियल आर्टिफिशियलेशन से तो कार्डियो क्या है पहले आप हाथ के जरिए कर रहे हो फिर आप डीफिब्रिलेटर के जरिए कर रहे हो तो कार्डियो पलमोनरी रीससीटेशन बात समझ आ गई बस लोगों को फिर ये कि अगर आपके ब्रेन को पाँच से आठ मिनट के लिए अगर आपको लेको ब्लड ना पाँच से आठ मिनट के लिए तो परमानेंट मेंटल इंपेयरमेंट हो जाती है आपका ब्रेन टिश्यू बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है परमानेंटली इं, परमानेंट मेंटल इंपेयरमेंट हो जाती है ठीक है ना इवन वो कहता है आप उसके बाद बस भी जाओ ना तो आपको मेंटल परमानेंट मेंटल इंपेयरमेंट ही हो जाए बंदा वैसे ही मेंटली फर्क हो जाता है बात समझ आ गई ठीक है जी के पांच से आठ मिनट तक की बातें हो रही हैं देख लो ठीक है ना अच्छा जी अब एट्रियल फेबरेशन अब आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई हैं अब देखना कैसे कहानी चलती एट्रियल एट्रोलेन बिल्कुल वैसी है जैसे होती है। फिर्प्रेलेशन, फिर्प्रेलेशन हो तो से कोई नहीं होता एट्रियल हो तो वेंट्रिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता ठीक है क्योंकि दरमियान में इनके होता है पता है हर बच्चे को वजह से उधर वाली उधर नहीं जाती उधर वाली उधर नहीं जाती ठीक है तो अब मुझे बताओ, से क्या होगा? कितने होगा? हमने क्या पढ़ा था कि? अब एटीआई सही से नहीं कर पाएगा तो सिर्फ क्या होगा वेंटिकल की जाएगी क्योंकि हमने पढ़ा था सिर्फ जो ब्लड वेंटिकल आ रहा होता है उसका लास्ट वाला ट्वेंटी परसेंट जो होता है ना वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से वेंटिकल को मिलता है

ठीक है वही वही सब कुछ हो रहा होगा एट्रियल मसल के अंदर और इसकी वजह क्या है इसकी वजह एट्रियल इन वही बात है जो हमने वहां पे हार्ट डायलेटेड हो जाता है तो यहाँ पे भी वही बात है वाल्व हो गई जिससे ये है वाल्व लेजेंस क्या होता है मतलब वाल्व भी आपका खराब है तो एट्रिया से वेंट्रिकल ब्लड जा ही नहीं रहा तो एट्रिया ने ही होना है या फिर आपका वेंट्रिकल खराब हो गया उससे क्या होता है उससे भी ब्लड एट्रिया में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है यानी कि बात याद रखनी है एटीएल इन की वजह वो तो इसके ऊपर भी लिखो कि पाथवे लार्ज हो जाता है ठीक है पाथवे जब लार्ज हो जाता है ठीक है तो इम्पल जो होती है ठीक है वो जब सारे एटिया को कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद वो देखती है कि ये तो यार वाजिब रिफ्रेक्टिव पेयड से बाहर आया बैठा है चलो इसको अगेन कर देती हूँ चलो इसको अब अगेन कर देती हूँ ठीक है जितनी देर में उसको करती है आगे से आगे आगे से आगे और श्योर ऐसे पैचेस बनते जाते हैं जो कि रिफ्रेक्टिव पीरियड से बाहर आगे हो ठीक है

मैंने बताया था कि तो वे, वेव उसे को न्यूट्रलाइज कर देंगी तो इसमें क्या होगा या तो पी वेव आएगी नहीं या फिर बहुत ही लो वोल्टेज की पी वेव्स होंगी ठीक है और बहुत ही हाई, हाई फ्रीक्वेंसी की और बहुत ही लो वोल्टेज की हाई फ्रीक्वेंसी की क्यों होंगी कोई बच्चा बता सकता है कोई बच्चा जो बहुत लाइक हो मेरे भाई जब वो कार ही री एंट्री कर रहा है तो ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी होगी इसमें लाइक वाले बच्चे की क्या बात है वो बार बार जो कर रहा है एक दफा खत्म हो के वो बेचारा से नहीं कर रहा अगेन अगेन कर रहा तो फ्रिक्वेंसी तो आई होगी फ्रिक्वेंसी तो वहां पर बहुत आई थी ठीक है ना फ्रिक्वेंसी तो हाई होगी होगी लेकिन ठीक है ना फ्रिक्वेंसी की क्या बात है ठीक है तो बहुत ही जनाबे वाला या तो आपकी वो वेव जो है ना किधर गई अब आपका इट ये देखो या तो ये कहता है कि अब इसमें बहुत सी बातें हैं बहुत मजे का ये बीमन इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत पढ़ने वाले हैं ठीक है ना वो अब आप लोगों को मैं सारे बताता हूँ एक तो ये है कि पी वेव होगी नहीं दूसरा ये कि अगर होगी तो फिर ऑब्वियसली बहुत लो वोल्टेज की होगी लो वोल्टेज के ऊपर लिखो क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी न्यूट्रलाइजेशन होगी होगी ठीक है वेव एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी तो इसलिए जब आप स्किन के ऊपर जब आप करोगे तो आपको पी वेव मतलब या तो थोड़ी थोड़ी आएंगी या फिर आएंगी नहीं ठीक है वेव आता है ठीक है अच्छा जी जबकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल होंगे ना क्या ख्याल है

देखो नोड जो है अब एट्रिया से जब इम्पल्स वेंटिकल में जानी है, है? ठीक तो, तो उनके तो नोड से गुजर ही है तो एट्रिया के अंदर चाहे सर्कस मूवमेंट बड़ी है जितनी मर्जी चलती रहे ठीक है? है बात को अब समझो जरा लेकिन क्या ये वेंट्रिकल को उतनी तेजी सेट कर लेगी नहीं एवी नोड से गुजर के जाना है एवी नोड का इफेक्टिव पीरियड है एवी नोड को स्ट्रिप बोले एवी नोड को जब वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली कर ही नहीं सकती बात समझ आई कि बात समझ आई आप लोगों को कि चाहे इस घर में जितना मर्जी वो भागम भाग उन्हें लगाया हुआ है ऐसे ऐसे सर्कस मूवमेंट चल रही है दरमियान में एवी नोड के परे वेंट्रिकल है एवी नोड से होके परे जाना है तो एवी नोड का रिफ्रैक्टिव होता है पॉइंट ठीक है

हो सकता है कि जीरो से लेकर पॉइंट सिक्स के दरम्यान दरमियान तक तो कोई भी टाइम चल सकता है कि आपका वो एडिशनल टाइम हो कि मसलन हो सकता है कि अब इसके अंदर एडिशनल लगाओगे जब जीरो लगाओगे तो 3, आएगा जब लगाओगे तो हो सकता है कि आपका 3, से लेकर पॉइंट जीरो तक आपके एक वेंटिकुलर डिपोजिशन दूसरे के दरमियान कोई भी टाइम आ सकता है पता नहीं ये बात कितनी समझ आई है ठीक है ना देखो ये बैठा हुआ वेंट्रिकल ये इंतजार में है कि यार मुझे इम्पल्स दो यार मैं कॉन्ट्रैक्ट करू ठीक है दरमियान में भी नोट है उसका फाइव का एक निजाम बना हुआ एक करनी है फाइव के बाद, फिर मैं अगली करूंगा फाइव के बाद दरमियान में, में चला जाना है इधर ये एक चवल चवल एट्री है जिसको कोई पता ही नहीं होश ही नहीं अपने वो गया हुआ फेब्रुलेशन के अंदर उसके अंदर स्ट्रे इम्पल है उनको नहीं होश बस उन टुका लग गया तो उन्होंने कहना ये लो यार आगे भी पहुंचा दो मतलब उन्होंने अपने स्ट्रे करते करते करते, करते ही आना है नोट उन्होंने अपना कोई रेगुलर तो आना नहीं है ठीक है तो पॉइंट तो इसका पक्का है तो पॉइंट जीरो, जीरो से लेकर जीरो का मतलब है हो सकता कोई जैसे ही वो रिफ्लेक्टिव से बाहर आए तो फौरन उसको इम्पल्स मिल जाए फौरन इम्पल्स मिल जाए ठीक है हो सकता है कि सेकंड तक वो बैठा रहे और पॉइंट पॉइंट थ्री फाइव तो उसके आगे थे पॉइंट सिक्स और गुजर जाए हो सकता है पॉइंट जीरो नाइन सेकंड तक उसको कोई उसके बाद जाकर कोई इम्पल्स आए तो कहने का मतलब ये है कि इतनी देर वेंट्रिकल तो बैठा रहेगा ना तो वेंट्रिकल समझ आएगी उसकी टाइमिंग बिल्कुल होगी कभी उसको 84, के बाद मिलेगी उसका बिल्कुल इरेगुलर होगी ठीक है ना इेगुलरिटी होगी ठीक है बात समझ आ गई ठीक है ना ये देखो अब यहां पे देखो इसकी रेगुलरिटी को पहचानो यहाँ पे देखो स्पेसिंग दो इनके दरमियान यहाँ पे देखो 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 तो एक इरेगुलरिटी है कि नहीं है ठीक है ना कि बिल्कुल एक इेगुलरिटी है ठीक है अच्छा चलो इरेगुलरिटी की बात को समझ आ गई कि कभी वो फॉरन कर देता है एवी नोट को कभी जैसे एवी नोट को भी कहता है

तो आपको क्या लगता है कि क्या वेंट्रिकल तो फिर बैठा रहता होगा कि यार मुझे तो आग को क्या ही नहीं रहा यार ये यार सही है यार मुझे आगे कोई पंप ही नहीं आ रहा खुद सारे पंपिंग करी जा रहे हैं ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है बात को समझो देखो जो नॉर्मल ऐसे से आती थी वो तो पहले आती थी पॉइंट थ्री लेकर फिर एवी नोट के अंदर पॉइंट नाइन तक बैठती थी, थी फिर आपका प्रकंजी जो थे वो टाइम लेते थे पॉइंट जितना भी लेते थे पॉइंट ठीक तो है, मतलब है ना फिर, फिर जाके वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था इसके अंदर इसके अंदर अब क्या हो रहा है ठीक है इसके अंदर देखो इसके अंदर आपका ये एक से डेढ़ बीट्स पर मिनट तक ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि जैसे ही वो रेट्रिकुलर से बाहर आएगा फौरन उसको भेज देगा फौरन भेज देगा फौरन भेज देगा फौरन भेज देगा ठीक है तो करेगा वो बीटिंग उसकी तेज ही होगी फिर भी ऑल सो द रैपिड बीटिंग ऑफ रेट्रिकुलर इंपल्स इन द एट्रिया द वेंट्रिकल इज डाइमोनटर फास्टर हार्ट रेट ठीक है ना उसकी जो हार्ट रेट होगी वो फिर भी फास्टर होगी बात समझ आ गई ठीक है अच्छा जी अब आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई कि ये जनाबे वाला ठीक है ना इसका अभी करना आपने वो इलेक्ट्रिक शॉक ही है ठीक है ना इलेक्ट्रिक शॉक इसको देना है और जनाबे वाला उसने वापस अपने दिदा में वापस आ जाना है मतलब इसका भी हल वही है ठीक है सारे हार्ट को आप रिफ्क पीरियड के अंदर भेज दो ठीक है ये बात अब आप लोगों को समझ आ गई ठीक है क्या आप लोगों को मेरी प्रीवियस पीछे वाली बात आप लोगों को मेरी समझ आई है सही तरह से है? नहीं आई समझ चलो सुनो फिर तसल्ली से सुन लो देखो ऐसे नोट से जो आती है ना ठीक है वो पहले पॉइंट थ्री लेती है एक जगह फिर एवी नोट के अंदर पॉइंट नाइन सेकेंड तक स्टे करती है फिर आगे से पॉइंट थ्री फिर आगे लेती है फिर पॉइंट थ्री इन द एंड वो 2.2 सेकंड ले लेती है वेंट्रिकल को अगेन स्टिम्युलेट करने में ठीक है मतलब जो नॉर्मल निजाम हो रहा है वो ये है फिर जाके इंपल्स बनती है 72 सेकंड की वो 72 बीट्स जितनी भी बीटिंग आपकी बनती है इसमें इसके अंदर तो वो एट्रिया से जो इंपल्सिस आ रही हैं वो उसको उसको उधर तो कोई डिले है ही नहीं ना ठीक है वो तो फौरन फौरन उसको

वो सिर्फ इतनी सी बात हमने की है हमने ये नहीं कहा कि वेंट्रिकल तो बेचारा बैठा ही रह जाएगा ऐसे बात नहीं हम लोग कर रहे ठीक है।, है वो इस तरह से कुछ, कुछ कुतना भी टाइम उसको लग सकता है तो वो हमने एक एडिशनल टाइम की बात की है ये मतलब नहीं है कि उस टाइम के दौरान जो है वो पहले दिन इसको बहुत स्लो हो गया भाई ये तेज ही है कि बात समझ आ गई मेरी पूरी तरह से कि वो अपनी बीटिंग से अपने नॉर्मल से बहुत ज्यादा ही कर रहा है ठीक है तो इसीलिए क्यूएरएस कॉम्प्लेक्सेस पहले से ज्यादा है क्यूएरएस कॉम्प्लेक्सेस पहले से ज्यादा है हाँ उनकी स्पेसिंग डिफरेंट है उनकी इरेगुलरिटी है बिल्कुल हर हर पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो इरेगुलर क्यों है ठीक है ना इरेगुलरिटी एक अलग चीज है वो ये है कि आपका आपका एवी नोट उस तरह से नहीं भेज रहा कि एक नॉर्मल जिस तरह पहले भेजता भेजता था टाइम तो तो मतलब लेकिन आप फिर भी रैपिड ही रही है ठीक है <laughs> अल्लाह कर अच्छा जब एट्रियल फ्लटर क्या है चलो पहले तो कार्डे का रेस्ट बता दो ना दो मिनट के अंदर अंदर ये ये है कि कोई भी अगर उसका नाम क्या आपका कोई इलेक्ट्रिकल रिदम ना हो मतलब कोई भी नहीं पैदा ही कोई नहीं कर रहा कोई maker, कोई नहीं कोई स्पॉन्टेनियस रिदम uh, ही कोई नहीं रह गया तो ये होता है कार्डिक रेस्ट मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही बंद हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही बंद हो गए ठीक है so, हो गया तो इसकी वजह होती है कि आपने डीप अगर इनिया कर दिया हो तो डीप इनस्थेजिया ठीक है तो उससे ये होता है कि इससे आपका सवियर हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाता है सवियर हाइपोक्सिया से ये होता है कि आपका जनाबे वाला जो मसल आ, मसल है ना मसल फाइबर्स और कंडक्टिव फाइबर्स और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की जो लिए जो कंसंट्रेशन तो सोडियम और पोटासियम वगैरह के जो आ, मतलब वो जो सारे कंसनट्रेशन ग्रेडिएंट्स बने हुए हैं वो सारे खराब हो जाते हैं ठीक है ना कि ऑटोमेटिक रिथमि नहीं रहतीस ठीक है बात समझ आई ठीक है ना देखो हाइपोक्सिया है, तो है ना तो हाइपोक्सिया से आपका एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी बात समझ आई हाइपोक्सिया नहीं हाइपोक्सिया है ना एटीपी की प्रोडक्शन खराब हो जाएगी तो एटीपी प्रोडक्शन से सारे जो पंपों ने जो सारा काम करना था कैल्शियम पंप सोडियम पोटाशियम पंप उन सारे पंप्स ने काम नहीं कर पाना जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन खराब हो जानी है आपके सारे वो इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन खराब हो जानी है ठीक है एटीपी ना होने से आपके पंप्स काम नहीं कर पाएंगे आपके पंप्स काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा

इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि एक तो हमने पढ़ा ना डीप डीप्टेजिया फिर एक अच्छा से हाइपोक्सिया क्यों क्रिएट हो रहा है अगर किसी बच्चे को अभी तक ये नहीं ना पता ठीक है यार आई, आ, से वो जो के जो आपके के मसल्स है ना ठीक है उन तक ही नहीं जा रही वो सही से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा है जिससे हो गई है बात सही से समझ आई है आप लोगों को ठीक है ना हर बात ठीक है ना अब आपको सही समझ आई से हुआ क्या है मेरे भाई कॉन्ट्रे और रेस्पायरेशन ही आपकी बैठ गई है ठीक है ना समझ आ गई बात अच्छा जी यहां से अब आप लोग और बात को कि समझेंगे एक और वजह यह भी है कि आपका अगर कार्डिक डिजीज हो वो तो फिर एक अलग बात है कार्डिक में ही मसला है ठीक है इसका भी हल क्या है कि वो इम्प्लांटेड पेस मेकर लगा दो आप इम्प्लांटेड पेस मेकर लगा दो ये चैप्टर आज मुकम्मल नहीं हो सका कल एक और लेक्चर हार्ट पे होगा हार्ट फिजियोलॉजी पे ठीक है उसमें फिर मैं आपको प्रीवियस भी सारा रिवाइज कराता और सारी की सारी रिवाइज कराऊंगा हर हर ई रिवाइज कराऊंगा क्योंकि आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें मैं पूरा फिर फिर चैप्टर ही अगेन रिवाइज करा दूंगा अब एट्रियल को समझें एट्रियल फ्लैटर और और एट्रियल ए, एट्रियल ये जो है ना डी फेब्रुलेशन में फर्क समझें इसके अंदर इम्पल हर डायरेक्शन में जा रही होती है ना फेवरुलेशन में फ्लटर में ये होता है कि एक ही डायरेक्शन होती है बस चाहे वो ऐसे ये नहीं है कि सिर्फ इसने यहीं पे घूमते जाना है इसने यहाँ पे घूमना है फिर यहाँ पे घूमना है फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे यानी कि डायरेक्शन एक ही होगी अगर आप चेक करो डायरेक्शन एक ही है ये ये नहीं है कि यहाँ पे भी याँ पे 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 भी भी डायरेक्शन एक है अब जब डायरेक्शन एक है तो पहले तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसकी वेव्स हमने क्या कहा था बिल्कुल ही वो नकमी लो वोल्टेज वाली वेव्स थी इसकी वोल्टेज इसकी वेव स्ट्रोंग होंगी बिकॉज ऑफ सेमी कोऑर्डिनेट मैसेज काश के बारे में आप लोगों को क्योंकि इसमें कुल कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है जैसे ब्लॉक बने हुए तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होती यहाँ पे है कि पी वेव स्ट्रोंग है क्योंकि जब अज कम यहाँ से गुजर रही है तो ये तो सारे डीपोलराइज है ना कुछ ना एक साइड तो हार्ट की कम अज कम वो जो है वो तो कोऑर्डिनेशन में है ना ठीक है बात अब समझ आई कि कोऑर्डिनेशन जो है उसका क्या मतलब है कि सारे सारे ये तो डीपोलराइजेशन है ना उसकी डायरेक्शन तो एक है ना हर जगह तो नहीं उसने लुच खाना खोल दिया तो इसलिए पी वेव कम है और फिर ये है कि इसके अंदर एक खास रेशो बन जाती है कि इतनी पी वेव होंगी तो फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इतना आएगा अब इसकी वजह समझो कि खास रेशो क्योंकि वही बात अगेन वही अगेन बात के आपका वो जो है ना क्या नाम है उसका ए, ए, वो जो आपका एवी नोड है उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड तो पॉइंट थ्री फाइव का है ना ये चल तो तेज तेजी रही है ना तेज तेजी रही है ठीक है तो ये अगर ये बड़ी अपनी अपनी फुल स्पीड पे चल रही है तो उसने तो उसने अपने हिसाब से ही चलना है ना देखो उसके अंदर क्या था इसके अंदर ये था कि इसने अपनी अपनी मर्जी से आना है ठीक है स्ट्रे इम्पल है इसके अंदर ये स्ट्रेस ट्रू नहीं है ये प्रॉपर एक डायरेक्शन में चल रही है लेकिन यह कि बहुत तेज चल रही है ठीक है

तुमने बनाया, मैंने नहीं मज़ाक खाना बनाया तो वो कहता है कि और चक्कर मार गया हो तो तो इसकी वजह क्या है अब आपको यहाँ से बड़ा अच्छा पता चल गया कि ये स्ट्रोंग क्यों है समझ आई सही से बात कि इसके अंदर उसकी तरह कैंसिलेशन नहीं की, हो, की जा रही ठीक है अब आपको और इसके अंदर जनाबे वाला एक सिंगल वेव के तौर पर एक ब्रक्स में चलती है वो इसके अंदर भी देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया 200 से 250 बीट्स पर मिनट इतनी दफा इतना वो कर रहा है इतनी स्पीड से वो कर रहा है कि एक मिनट में लेकिन ये है कि इतना ज्यादा वो वेंट्रिकल को तो नहीं जाके कर सकता क्योंकि एवी का एक रिफ्रैक्टिव पीरियड है ठीक है खुद ये कितना इतने इतनी स्पीड से कर रहा है वेंट्रिकल एट्रिया

क्योंकि सारे अपने अपना ये फ्लटर फ्लटर की समझ आई जैसे आप अपना एक हाथ घुमा रहे हो दूसरे हाथ को नहीं घुमा रहे तो एक तरह तो से फ्लटर है जैसे फ्ल्टरिंग से आप कर रहे हो जैसे आप फ्लटर जैसे फ्लटर क्यों कहते हैं क्योंकि जब वो परिंदा उड़ रहा होता है तो एक साइड पहले एक पार हिलाता है फिर दूसरा पार हिलाता है फिर एक पार मारता है फिर दूसरा पार मारता है ठीक है लेकिन ये क्या कर रहा है इसने तो ही कर बिल्कुल ये 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 ठीक है अब आपको ना सही से समझ आई होगी बातें ठीक है और खास यार ये चल रहा है ठीक है फिर आप उसका नाम इसको देख कहो के कहोगे कि यार ये तो प्रॉपर स्पेसिंग ही नहीं है तो ये तो यकीन फिर एट्ल, एट्ल एट्ल है प्रॉपर स्पेसिंग ही नहीं है फिर ठीक है ना और फिर ये आप देखोगे कि इसमें आपने स्पेसिंग को खास कर ये याद रखना इसमें एयरटेल फेब्रोलेन में स्पेसिंग को देखना है खास कर स्पेसिंग और एक और बात क्यू एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है ठीक है और ये आपकी पी वेव जितने की दिखाई हुई है ना ठीक है आपकी जो होती है ना ये देखो ये ठीक है आपकी जो पी वेव होती है वो ठीक है ना वो बिल्कुल ही वो जनाब वाला बैठी हुई होती है मैंने बताया था ना कि एयरटेल फेब्रुलेशन के अंदर पी वेव बिल्कुल बैठी हुई होती है ठीक है ना ये मेरे ख्याल से इसने टी वेव शो की हुई है ना ये टी वेव है, हाँ है टी वेव क्योंकि तो बिल्कुल ठीक है ना तो वेंट्रिकल की देखो एट्रिया की आप पहचान लोगे की कॉम्प्लेक्स ठीक है स्पेसिंग सारी गलत है ठीक है तो इससे आप पहचान लोगे कि इसी जी में कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है ठीक है और यही बातें आप लोगों के जब इसमें पेपर पेपर में जब क्वेश्चन आता ना ये वाला उसमें से इसी तरह से आपने उसको बताना होता है ठीक है और जब वो इवन वो जो बाज बाज़ात वो भी बना लेता है क्लिनिकल भी बना लेता है कि इस तरह से स्पेसिंग जो है ना वो अब नॉर्मल है प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है तो ये क्या होगा और इसके अंदर इसी चीज में क्या चेंजेस आएंगी ये वो फिर आपने इसी चीज़ की चेंजेस बतानी होती है कि आर कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होगा आपका जो पी वेव होगी या तो मिसिंग होगी या फिर पी वेव जो है वो आपकी जो है ना वो बिल्कुल बेबी हाई फ्रिक्वेंसी वाली पी वेवस होंगी और आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होगा लेकिन ये क्यू एर एस कम्पलेक्स के दरमियान जो आ, स्पेसिंग है वो बिल्कुल अब नॉर्मल और इरेगुलर होगी और ये है कि आ, ये जो है ना ये ये लेकिन होगा होगा रेट ज्यादा होगा इसका ये भी बताना है कि इसका रेट ज्यादा है ठीक है चलो जी बाकी इंशाल्लाह एक लगते